आंगनवाड़ी एजुकेटर की नई भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकाली गई है। इस नई भर्ती में कैसे आवेदन करना है, क्या योग्यता है, कितने पद हैं, कौन आवेदन कर सकता है, क्या आयु सीमा है, कितना मानदेय मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली विद प्रूफ सरकारी लेटर के साथ में आपको जानकारी देंगे। अब आंगनवाड़ी वर्कर टीचर बन सकेंगे तो कौन टीचर बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या कुछ है, पूरी प्रक्रिया, पूरी जानकारी सब कुछ जानिए इस वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये है न्यूज़पेपर की कटिंग, यहाँ पर आप देखिएगा, और प्लस आपको सरकारी लेटर ही देखिए, मैं आगे सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। न्यूज़पेपर की कटिंग में देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 75 जिलों को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक एक ECCE बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। यानी कि 10,684 विद्यालयों में एक एक पद है, तो टोटल 10,684 पद हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में पद हैं। और आप लोग इसमें आवेदन करेंगे तो आप लोगों को कैसे क्या कुछ करना है, चलिए आप लेटर जो सरकारी लेटर है उसको दिखाते हैं, पूरी जानकारी आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप पूरा विज्ञापन लेटर देख सकते हैं, सरकारी लेटर है, लिखा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ। अब इस लेटर में लिखा है सेवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर प्री प्राइमरी पत्रांक लिखा है, डेट की बात करें तो 24/8/2024 इसकी डेट है इस लेटर की। अब इस लेटर का विषय देखिए क्या है, विषय है समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटेड हेदु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो पद का नाम जो है वो है ECCE एजुकेटर आंगनवाड़ी। अब यहाँ पर देखिए इसमें पूरा आपको मिलेगा टोटल विवरण की क्या योग्यता, पात्रता, पढ़ाई लिखाई, एज, मानदेय सब कुछ यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताए दे रहे हैं, बाकी लिखा तो बहुत कुछ है। तो देखिए 2024-25 यानी कि यहाँ पर जो ये नौकरी है एक तरीके से संविदा पर आधारित नौकरी है, तो एक वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा, आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपके काम को नवीनीकरण हो जाएगा आगे। फिर तो 10,684 पदों पर यहाँ पर लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में ECCE एजुकेटर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आंगनवाड़ी जनपदवार सूची भी संलग्न है, सूची में कौन कौन जनपद में कितने कितने पद हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे, सूची दिखाएंगे। तो एक प्रति केंद्र पर एक, यानी कि एक केंद्र पर एक पद है ECCE एजुकेटर संविदा पर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और मानदेय साफ साफ लिखा है 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर आपको मानदेय मिलेगा और एक वर्ष हेतु आपको रखा जाएगा। तो यहाँ पर सैलरी भी आपको मालूम चल गई 10,313 रुपये प्रति माह का है। और पद का नाम है ECCE एजुकेटर। पदों की संख्या टोटल है 10,684 पूरे 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में। नियुक्ति का स्थान है 75 जनपद लोकेटेड आंगनवाड़ी, ठीक है। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग है। संविदा की अवधि 11 माह, यानी कि 11 माह के लिए आपको नौकरी पर रखा जाएगा, 11 माह का आपको मानदेय मिलेगा, प्रति माह आपके खाते में मिलेगा, और 11 माह के बाद आपके कार्य को देखते हुए आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। मानदेय यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, PF, EFI सहित 10,313 रुपये प्रत्येक महीने। अब बात करते हैं कि योग्यता क्या होगी, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। देखिए बहुत लोग आपसे कहते होंगे इसमें स्नातक मांग रहे हैं, तो स्नातक समझिए स्नातक होता है ग्रेजुएट, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम, लेकिन यहां पर कहा गया है कि गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में आपके पास होना चाहिए। तो गृह विज्ञान अगर आपने लिया तो बीए किया होगा, ग्रेजुएशन में क्या किया होगा बीए, क्योंकि बीएससी में तो साइंस पढ़ी जाती है, बीकॉम में कॉमर्स पढ़ी जाती है, तो बीए में होम साइंस पढ़ी जाती है यानी कि गृह विज्ञान। तो होम साइंस अगर आपने पढ़ी है बीए में, वो भी बीए 3 साल का होता है, जिसमें से अगर आपने लास्ट ईयर में 3रे साल में सब्जेक्ट होम साइंस रखा है,
तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। और आपके जो न्यूनतम अंक है 50% होने चाहिए। 50% अंक अगर आपके आए थे होम साइंस के साथ बीए में, तो आप इसमें आवेदन कर दीजिए। दूसरी कोई इसमें योग्यता पात्रता नहीं मांगी जा रही है। पढ़ाई लिखाई में ओनली बीए होम साइंस गृह विज्ञान के साथ 50% अंकों के साथ पास हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे दीदी लोग कि हमारे पास बीए तो किया है हमने, लेकिन होम साइंस नहीं ली थी, हमने सोशल साइंस ली थी, पॉलिटिकल साइंस ली थी, होम साइंस दीदी नहीं थी, पर हमने बीए किया है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकती हैं। होम साइंस जरूरी है, लेकिन हाँ एक और कोर्स है, अगर वो आपने किया है तो आवेदन कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, बीए अगर होम साइंस नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? तो आपके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी या सीटी नर्सरी डीपीएसआई कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, तब आप आवेदन कर सकती हैं। यानी कि अगर आपके पास बीए में होम साइंस नहीं है, ऐसे ही आपने किसी और सब्जेक्ट से बीए किया था, तो क्या आपने एनटीटी किया था? अगर आपने एनटीटी किया था, नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी होता है, तो वो अगर आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं, आराम से कर दीजिए। और इसमें जो है ये भी बताया गया कि आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, जो है कम से कम 18 के प्लस होनी चाहिए। 18 से लेकर के 40 वर्ष की एज की दीदी लोग इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो यह कुछ योग्यता है जो कि आपको मैंने बता दी है, अच्छी तरह आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसमें काम क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर के कार्य और दायित्व बताए गए हैं। तो देखिए पूरा कुछ यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, मगर आपको थोड़ा शॉर्टकट में मैं बता दूँ क्या काम करना है। देखिए कम से कम 3 साल से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा हेतु तैयार करना, उनका जो है ध्यान देना कि वो अच्छी तरह सब चीज़ों में निपुण हों, उनके बच्चों के विकास हेतु रंग आकार ध्वनि वस्तु वातावरण पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सबसे संबंधित गतिविधियां कराना, उनको जानकारी देना, नाटक खेल पिकनिक भ्रमण संगीत और क्राफ्ट वगैरह बनाना, ये सब कुछ मतलब उन लोगों को सिखाना है और बताना है, बच्चों की प्रगति लगातार उनका विकास करना, बच्चों को सीखने का वातावरण देना, इस तरीके से ये काम करना है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के अंदर गुणवत्ता परक जो है सीखने का एक वातावरण बनाना है, सीख देनी है उनको छोटे बच्चों को। ईसीसीई एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्त अनुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिससे कि जो अनुसरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। यानी आपको विद्यालय की जो प्रिंसिपल होती है, प्रधान अध्यापक होती है, उसके अंडर में काम करना है, वो आपको काम का मार्गदर्शन देंगे। संबंधित कर्मी की कार्य अवधि विद्यालय समय की सारणी के अनुसार निर्धारित किया जाएगी। जिस समय स्कूल खुलता है, जिस समय सब लोग स्टाफ आता है, उसी हिसाब से आपको भी जाना है और आना है। तो एक तरीके से बच्चों का एजुकेटर बनना है, यानी कि टीचर बनना है। एजुकेटर का मतलब एजुकेशन यानी कि शिक्षा देना है। तो आपको शिक्षा का एक माहौल क्रिएट करना है, बच्चों का विकास करना है, इसके लिए आपको स्कूल में रखा जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर, कि आगे जब बच्चे आंगनवाड़ी से निकल कर प्राइमरी स्कूलों में जाएँ तो उनको एक माहौल पहले से विद्यालय का मिल सके, ऐसा कुछ आपको सिखा है बच्चों को। यह आपका कार्य जिम्मेदारी रहेगी। अब इसमें चयन कैसे होगा? तो इसमें एक समिति बनाई जाएगी जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। सबसे पहले जिसके अध्यक्ष होंगे समिति के वो जिलाधिकारी यानी कि डीएम होंगे। उसके बाद सदस्यों में होगा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, जिला सेवायोजन अधिकारी होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये सब मिलकर एक समिति बनेगी, एक टीम बनेगी, जो कि इसमें जो आवेदन आएंगे उनमें से छटनी करके चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगी। अब यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, उसके बाद लिखा है कि इसमें जो है जैम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और एक मॉडल बिड का नमूना शीघ्र ही पृथक से प्रेषित किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर ईसीसी एजुकेट कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित कार्मिक केवल कार्य के अनुसार अधिकतम 11 माह के लिए रखे जाएंगे। तो कुछ एक टीम बनेगी जिसके माध्यम से आप लोगों का जो है चयन होगा।
चयन प्रक्रिया जो है मेरिट के आधार पर होगी, मेरिट बनेगी, और मेरिट कैसे बनेगी वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के अनुसार, यहाँ पर जो शासनादेश दिया गया 26 जुलाई 2024 को दिया गया है आदेश भर्ती का, चयन उपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की व्यय सीमा निर्धारित की जाएगी। तदक्रम निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या वगैरह यहाँ पर दे रखी है। लोकेट आंगनवाड़ी के निर्धारित मानव संसाधन एजुकेटर उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई जैम पोर्टल के माध्यम दिनांक 3 सितंबर 2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें, यानी कि 30 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब आपकी समझ आ गया होगा कि जो आंगनवाड़ी एजुकेटर हैं उसमें आपको काम क्या करना है, बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना है, अच्छा माहौल देना। अब आवेदन कहाँ करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा है यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन ब्लॉक पे आप जाएंगे तो बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय होगा ब्लॉक स्तर पर, वहाँ भी जानकारी ले सकते हैं, जिला स्तर पर भी है वहाँ जानकारी ले सकते हैं। प्रमुख सचिव बाल विकास सेवाएं पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश, बाल विकास सेवाएं पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी हैं, तो मतलब आप जिले स्तर पर जाकर भी पता कर सकते हैं और ब्लॉक स्तर पर भी बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर के जानकारी ले सकते हैं वैकेंसी का, तो आपको आवेदन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके सबसे ऊपर वाली एक और बेल आइकन ऑल वाली घंटी के बटन जरूर दबा लीजिए ताकि इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको आगे मिलती रहे। किस जनपद में कितने पद हैं सूची भी हम आपको दिखाएंगे और प्लस चयन प्रक्रिया में मेरिट सूची किस प्रकार से बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी, सब कुछ आपको ए टू जेड जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे और समझाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही।